हल्द्वानी ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने हंगामा करते हुए पंचायत क्षेत्र में नक्शा पास कराने के प्रस्ताव का विरोध किया है। वहीं सीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने के लिए जिला पंचायत को अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव पास किया तो पूरे प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधि विरोध करते हुए आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही बीडीसी बैठक में पुराने प्रस्ताव पर विकास कार्य न किए जाने को लेकर प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया। साथ ही कानून व्यवस्था में सुधार और विकास कार्यों में गुणवत्ता जांचने पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बैठक में कई विभागों के अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने विरोध जताया है। सीडीओ संदीप तिवारी ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों ने कई मामले उठाए हैं जिन पर प्रशासन गंभीरता से विचार करते हुए कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों का कहना है कि गांव में घर बनाने वाले व्यक्ति का नक्शा ग्राम पंचायत ही पास करे न कि जिला पंचायत। अगर सरकार बीडीसी सदस्यों की मांग के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाती है तो प्रधान संगठन पूरे प्रदेश में इसका विरोध करेगा। जैसा कि आप सभी को अवगत होगा, पूरे नैनीताल जिले भर में सारे प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने इसका विरोध करा है, क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी महंगाई से परेशान है, तो हम नहीं चाहते उस पर डबल लोड पड़े। तो मानचित्र हम ग्राम पंचायत में अभी ऐसे ही पास कर देते हैं ताकि उनका लोड कम हो, आदमी पे पैसों का बोझ ना पड़े। हमने आज सीडीओ सर के संज्ञान में मामला डाल दिया, उनको प्रस्ताव भेज दिया है कि उन्होंने उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यह सिर्फ अभी प्रस्ताव लाया गया है, कोई जीओ जारी नहीं किया गया है। भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध करेंगे। आप लोग क्या कहेंगे, कोविड से आदमी वैसे परेशान है, उस पर धूप नहीं मार की जा रही है? बिल्कुल सर, जो नक्शा आज हम ऐसी संबंधों में, क्योंकि वो हमारी ग्राम पंचायत का अपनी ज़मीन में स्वयं के पैसों से भवन निर्माण कराना चाहता है, उसमें भी अगर हम टैक्स लगाएंगे तो वो उसको दोगुना बोझ देना पड़ेगा। इसके अलावा बैठक में और चीज क्या खास है? बैठक में विभागों द्वारा हम चाहते हैं जो पूर्व के प्रस्ताव हैं पहले उनमें ही कोई कार्रवाई की जाए, तब जाके ये तो एक मान लीजिए एक औपचारिक बैठक है। माननीय सीडीओ सर आप हमारे बीच में आए थे, उनके बीच में भी हमने अपने जो भी मुद्दे हैं उनको रखे हैं। हम आशा करते हैं वो हमारे इनका निर्णय वो कर सकते। सबसे पहले तो बीडीसी में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा है वो जिला पंचायत के जो मानचित्र पास होने हैं जिला पंचायत क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्रों में, उससे संबंधित था। और उसमें मुझे एक ज्ञापन भी दिया गया जिसमें विरोध दर्ज किया है कि ये अधिकार जो है जिला पंचायत को ना देते हुए संबंधित ग्राम पंचायत को दिया जाए। उसके बाद एक मुद्दा उठा है पुलिस का, कानून व्यवस्था का, जिसमें बीडीसी में ये मांग की गई है कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जो हैं वो बीडीसी में आए और उनके समक्ष अपना जो प्रधानगण है वो अपना समस्याएँ रख सकेंगे। उसके अलावा शिक्षा विभाग में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कुछ बिल्डिंग्स पुरानी हो गई हैं और उनके हमने प्रस्ताव मांगे हैं और जैसे ही हमें प्रस्ताव प्राप्त हो जाते हैं तो हम धनराशि मुक्त करेंगे। विकास कार्यों को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? किसमें विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र में? देखिए, विकास कार्यों को लेकर जो सवाल उठे हैं वो कुछ गुणवत्ता को लेकर उठे हैं और दूसरा प्रधानों का रोष ये है कि 15वें वित्त का पैसा अभी रिलीज नहीं हुआ है, जिसके संबंध में ये बताना है कि 15वें वित्त का जो खर्चा था इनका वो विगत वर्ष का 50% से भी कम रहा, जिस कारण भारत सरकार ने आगामी धनराशि अवमुक्त नहीं की है। और जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है तो हमारे पास शिकायती पत्र भी आते रहते हैं, उसके अलावा हमारे द्वारा भी औचक निरीक्षण किए जाते रहे हैं और जहाँ पर हमें लगता है गुणवत्ता प्रभावित होती है वहाँ पर हम लोग डेफिनेटली कार्रवाई करते हैं और उसका सुधार करवाते हैं।